सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार, जैसे कि तुम लोग को पता ही होगा, पोकेमॉन के बहुत सारे एपिसोड्स बैन हैं। इसके अलावा काफी सारे पोकेमॉन के सीन्स को भी डिलीट कर दिया जाता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने तुम लोग को और भी डिलीटेड सीन्स के बारे में बताया था। ये उसी वीडियो का पार्ट टू है। इस वीडियो में एकदम नए डिलीटेड सीन्स होने वाले हैं, जिनके बारे में तुम लोग को ऑलरेडी नहीं पता होगा, और कुछ पोकेमॉन जर्नीज के भी डिलीटेड सीन्स हैं इसमें। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। और हाँ यार, उससे पहले पहले तो वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं किया अभी तक तो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अमेजिंग कॉन्टेंट के लिए, और बेल आइकन भी दबा देना। तो चलो यार, अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन गाइस, अगर तुम लोग को पोकेमॉन्स की पोकेडेक्स एंट्री पढ़ने में मजा आता है, तो तुम लोगों ने जरूर मिमिक्यू पोकेमॉन की पोकेडेक्स एंट्री को पढ़ा ही होगा। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई मिमिक्यू की ट्रू आइडेंटिटी देख लेता है, यानी कि मिमिक्यू के उस कपड़े के नीचे क्या है वो देख लेता है, तो वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो डर के मारे मर जाता है। और यार, यही चीज़ हमको पोकेमॉन सन एंड मून के एक एपिसोड में देखने मिली। तो होता क्या है उस एपिसोड के सीन में, कि मियोज जो है वो पानी की तरफ नज़र डालता है, और उसको दिखता है कि पानी में मिमिक्यू का कपड़ा पड़ा हुआ है। यानी वो सिर्फ कपड़ा पड़ा हुआ था, उसके अंदर मिमिक्यू नहीं था। और तभी मियोज वो देख लेता है जो कि उसको नहीं देखना चाहिए था। तो तभी मियोज जो है वो मिमिक्यू की ट्रू आइडेंटिटी देख लेता है, और वो देख लेता है मिमिक्यू असली में कैसा दिखता है। तो जैसा पोकेडेक्स एंट्री में लिखा था, मियोज भी उसको देखने के बाद इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो एक्चुअल में मर जाता है। और फिर अगले सीन में हमको ऐसा दिखाया जाता है कि मियोज जो है उसका मुंह पानी के अंदर डूबा हुआ है, और वो मतलब पानी में मर चुका है, उसकी लाश तैर रही है पानी में। और फिर टीम रॉकेट जो है वो उसको पानी के बाहर निकालती है, और उसमें उसकी आत्मा वापस आ जाती है, यानी कि वो वापस जिंदा हो जाता है। तो यार, ये जो सीन था जहाँ पर मियोज की डेड बॉडी पानी में फ्लोट कर रही थी, ये सीन उन्होंने सोचा कि बच्चों के लिए थोड़ा इनएप्रोप्रिएट हो सकता है, उतना सही नहीं रहेगा उनको दिखाना, तो इसीलिए उस पानी वाले सीन को, और जब मियोज की डेड बॉडी पानी से बाहर निकलती है तो भी वो काफी क्रीपी सा लग रहा होता है, उस सीन को, दोनों सीन को काट दिया जाता है एपिसोड से। अगर तुम लोग इंग्लिश डब का ये वाला एपिसोड देखोगे, तो वहां पर मियोज जो है मिमिक्यू को देख के जैसे ही डरता है, उसके तुरंत बाद का ही सीन काट दिया जाता है, और सीधा दिखाया जाता है कि मियोज जो है पानी से बाहर पड़ा हुआ है और उठता है वो। नंबर टू गाइस, पोकेमॉन की जो सेकंड वाली मूवी थी, यानी कि वो लुगिया वाली मूवी, वो तुम सब लोगों ने देखी होगी। तो यार, उसी मूवी के एक सीन में ऐश जो है क्लिफ से जंप लगा देता है, यानी कि वो पहाड़ से नीचे कूद जाता है, और फिर जो मिस्टी है वो भी ऐश को बचाने के लिए कूदने वाली होती है, लेकिन ट्रेसी उसको रोक लेता है। तो यार, ये जो पहाड़ से कूदने वाला सीन था, इसको मूवी से डिलीट कर दिया गया था, यानी कि कट कर दिया गया था। इसकी वजह भी यार वही हो सकती है कि उन लोगों ने बच्चों की वजह से कट कर दिया होगा ये सीन, क्योंकि ऐश ने काफी डेंजरस चीज की थी यहाँ पर, वो पहाड़ से नीचे कूद गया था, तो उसको देख के कोई और ट्राई ना करे या फिर ऐसा कुछ, इसकी वजह से हो सकता है उन्होंने कट कर दिया हो। नंबर थ्री गाइस, के तुम लोग को पता है पोकेमॉन के कुछ 12 एपिसोड्स साउथ कोरिया में बैन हो गए थे, और वो भी बस इस वजह से क्योंकि उनमें जापानीज कल्चर का रेफरेंस था। जैसे कि एक तो वो समुराई वाला एपिसोड बैन हो गया था, क्योंकि उस बंदे ने समुराई के कपड़े पहने हुए थे, और समुराई एक जापान के कल्चर का रेफरेंस है, तो इसीलिए इस एपिसोड को बैन कर दिया गया था। और ऐसे ही और भी 11 एपिसोड्स को बैन किया गया था। हालांकि इसके चलते वहाँ पे जो बच्चे थे जो पोकेमॉन देखते थे, उनको काफी दिक्कत होती थी, क्योंकि बीच का कोई भी एपिसोड बैन हो जाता था तो कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम हो जाती थी। मतलब जैसे कोई भी बीच के एपिसोड में ऐश ने कोई बैच जीता, या फिर ऐसा कुछ और वो एपिसोड बैन हो गया, तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि बैच कब जीता उसने, तो ये काफी प्रॉब्लम होती थी। और हाँ यार, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यार साउथ कोरिया को क्या प्रॉब्लम है जापान से, तो मैं बता दूँ, साउथ कोरिया पे पहले जापान जो है वो रूल करता था, मतलब साउथ कोरिया को आज़ादी मिली थी बाद में जापान से। तो इसीलिए यार, अगर किसी भी टीवी शो में जापानीज कल्चर का कुछ रेफरेंस होता है, या फिर जापान वालों का कुछ रेफरेंस होता है, तो साउथ कोरिया सीधा उसको बैन कर देता है। नंबर फोर गाइस, पोकेमॉन एक्स वाई जी के थोड़े एंडिंग वाले एपिसोड्स में हमको दिखाया जाता है कि लाइसेंड्रे जो है वो ऐश और उसके पोकेमॉन्स को बांध के रखता है। तो उसी सीन में हमको ऐसा दिखाया जाता है कि ऐश को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और वो बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, उसके फेस पे मतलब हमको काफी ज्यादा दर्द देखने मिलता है। तो यार, फिर पता नहीं इंग्लिश डब वालों को इसमें भी क्या गलत लगा कि ऐश जो है वो दर्द से चिल्ला रहा है, उस सीन को भी उन लोगों ने मतलब ठीक नहीं रहने दिया, जैसा था उसको वैसा नहीं रहने दिया। तो इंग्लिश डब के उसी सीन में ऐश के चेहरे को एकदम स्लीपी सा कर दिया जाता है, तुम लोग इमेज में देख सकते हो, जैसे कि ऐश एकदम नींद में वो सो रहा है, लेकिन जो चिल्लाने की आवाज़ होती है वो आती रहती है, लेकिन उसका जो चेहरा है वो हमको ऐसा दिखाया जाता है जैसे बेहोशी की हालत में है क्या, जबकि उसका चेहरा हमको ऐसा ही दिखाना चाहिए जैसे कि उसको दर्द हो रहा है। तो यार, अब इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता कि ऐश के फेस एक्सप्रेशन को उन लोगों ने चेंज क्यों किया।
नंबर 5 पोकेमॉन एपिसोड टीम रॉकेट वर्सेस टीम प्लाज्मा। तो यार ये एपिसोड दो पार्ट में आया था, पार्ट 1 और पार्ट 2, और इसके दोनों पार्ट्स को ही बैन कर दिया गया था क्योंकि यार इस एपिसोड में लड़ाई होती है टीम रॉकेट की और टीम प्लाज्मा की, जिसमें बहुत सारे बॉम्ब्स का यूज़ किया जाता है, मिसाइल्स का यूज़ किया जाता है, मतलब यार बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन होता है इसमें। तो इसीलिए यार इस एपिसोड के दोनों पार्ट्स को बैन कर दिया गया था पूरे वर्ल्ड वाइड, इसीलिए तुमने कभी देखा नहीं होगा इस एपिसोड को। नंबर 6, तो गाइस पोकेमॉन जर्नीज के एक एपिसोड में जहाँ पर ऐश और गो जो है वो स्टेशन पे जाते हैं, और फिर वो लोग जब जाते हैं टिकट काउंटर पर तो वहाँ पर जो आदमी खड़ा रहता है जैपनीज वर्जन में, उस आदमी के मूंछ रहती हैं और उसकी जो मूंछ होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं हिटलर की मूंछ से। तो बस इसी वजह से कि वो आदमी हिटलर जैसा बिल्कुल भी ना लगे, इसी वजह से इंग्लिश डब करते टाइम उस आदमी की मूंछों को हटा दिया जाता है, तुम लोग देख सकते हो। नंबर 7, तो यार पोकेमॉन जर्नीज के एक और एपिसोड में एक लड़की जो है वो ऐश और गो को एक्सप्लेन कर रही होती है कि कैसे एक आदमी की जो डेड बॉडी होती है वो कॉफ एग्रीगस पोकेमॉन के अंदर जाती है। तो उसके एक्सप्लेनेशन के टाइम पे जापानीज वर्जन में हमको ऐसा दिखाया जाता है कि एक आदमी एक्चुअल में हमको दिखाया जाता है कि वो उड़ के जा रहा होता है कॉफ एग्रीगस के अंदर, और फिर जो उसका कॉफिन होता है वो बंद हो जाता है। लेकिन फिर जब इस एपिसोड को इंग्लिश डब किया गया तो पता नहीं क्यों वो जो सीन था जहाँ पर आदमी कॉफिन के अंदर जाता है वो दिखाई दे रहा था, उस सीन को डिलीट कर दिया गया। नंबर 8, गाइस पोकेमॉन सन एंड मून के एक एपिसोड में जहाँ पर ऐश और पिकाचू जो है उन्होंने मिलके कुछ खाना बनाया होता है, और यार हमको देखने से ही पता चल जाता है कि उन्होंने खाना जो है वो जला दिया है, पूरा कुछ भी बेकार बना दिया है, फिर भी यार ऐश और पिकाचू जो है हिम्मत करके खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद ऐश जो है उसको मतलब बहुत ज़्यादा बेकार लगता है और ऐश जो है वो उल्टी कर देता है। तुम लोग इस क्लिप में यहाँ पर देख सकते हो कैसा होता है। लेकिन यार फिर जब ये एपिसोड इंग्लिश डब हुआ था तब पता नहीं क्यों ये जो उल्टी वाला सीन था जहाँ पर ऐश के मुँह से ये निकलता है ग्लिटर कलर, इस सीन को डिलीट कर दिया जाता है। अब मुझे वजह नहीं पता क्यों डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे तो इसमें कुछ गलत लग नहीं रहा, एकदम सब तो सही है। कभी कभी यार सही में इंग्लिश डब वाले जो है वो एकदम लेम रीजन पे एपिसोड के सीन काट देते हैं या फिर कुछ बैन कर देते हैं। नंबर 9, तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि मियोज जो है वो देख लेता है मिमिक्यू के कपड़े के नीचे क्या है, तो ऐसा ही एक और एपिसोड में हुआ था पोकेमॉन सन एंड मून के, जहाँ पर मियोज जो है वो एकदम हिम्मत वाला बन के जाता है मिमिक्यू के पास और उसका जो कपड़ा है वो ऊपर उठाता है, और जैसे ही उसके नीचे देखता है फिर से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर से मर जाता है, लेकिन जेसी और जेम्स जो है उसको बचा लेते हैं। लेकिन यार इस सीन को भी इंग्लिश डब से डिलीट कर दिया गया था, शायद इसी वजह से क्योंकि हमको इसमें मियोज मरते हुए दिखाया है। नंबर 10, तो ये भी पोकेमॉन सन एंड मून का एक एपिसोड है। इस एपिसोड के एक सीन में क्या होता है, बीवर पोकेमॉन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइटली हक करता है पूरी टीम रॉकेट को, और यार थोड़ा बहुत भी नहीं, वो इतना ज़्यादा टाइटली हक करता है उन तीनों को कि वॉवफिट पोकेमॉन जो है उसकी तो आत्मा ही उसके मुंह से बाहर आ जाती है। लेकिन ये सीन सिर्फ हमको जापानीज वर्जन में देखने मिलता है, इंग्लिश वर्जन में ये सीन हटा दिया जाता है जहाँ पर वॉवफिट के मुंह से उसकी आत्मा बाहर आ जाती है। तो फिर बस यार यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है IAMPOKETUBER, वहाँ जाके मुझे ज़रूर फॉलो करना। ये रहे हमारे पिछले वीडियो के पोके क्विज विनर्स और आज की पोके क्विज। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।